सो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जांगिद और इस वीडियो में हम बात करते हैं पीलिंग ट्रीटमेंट के बाद में कैसे केयर करना है। तो काफ़ी ऐसी कंडीशंस होती है जैसे कि पिंपल्स, पिगमेंटेशन या फिर एजिंग प्रोसेसेस, जो काफ़ी डर्मेटोलॉजिस्ट जैसे मैं भी हूं और सब इसको पीलिंग से ठीक करने का कोशिश करते हैं। तो अगर आपने रिसेंटली पीलिंग लिया है तो कौन कौन से कॉमन चेंजेस होने वाले हैं और इनका कैसे केयर करना है, और थर्ड हम देखेंगे कि अगर बाय चांस कुछ माइनर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं तो उसका कैसे मैनेज करना है। तो पीलिंग के बाद में क्या होता है कि आपका स्किन थोड़ा सा सेंसिटिव रहता है 1 वीक के लिए, और थोड़ा सा रफनेस होता है क्योंकि जितने भी ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये सारे आपकी स्किन को हल्का सा पील ऑफ करके स्किन को ठीक करते हैं, और जब आपका स्किन पीलिंग होता है तो हल्का सा ड्राई भी ज़रूर होता है। तो आपको ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। पीलिंग मोस्टली सेकेंड या थर्ड डे से स्टार्ट होता है, और मोस्टली वो जो लोअर फेस है यहाँ से स्टार्ट होता है, एंड स्लोली यू कैन सी दैट द फेस विल बी पील्ड ऑफ इन नेक्स्ट 1 वीक। पीलिंग का अमाउंट काफ़ी से बोलते हैं लोग कि डॉक्टर मेरा पीलिंग कम हुआ, ज़्यादा हुआ, और काफ़ी लोग ऐसे शिकायत लेके आते हैं कि डॉक्टर मेरा स्किन तो बिल्कुल पील ऑफ नहीं हुआ। पीलिंग कितना होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि डॉक्टर ने कौन सा पील किया है और आपका स्किन का स्टेज किस तरह का है। ओके, अगर डॉक्टर ने ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ किया है और आप रोज़ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं बराबर, तो हो सकता है कि आपका पीलिंग ज़्यादा नहीं हो। अगर TCA पील यूज़ करते हैं और आपने कभी पहले बहुत कम पीलिंग करवाया है या फिर मेडिसिन यूज़ नहीं किया है, तो उस कंडीशन में आपको पीलिंग बहुत ज़्यादा होता है। अर्ली स्टेज में एक या दो आप जब शुरुआती पील लेते हैं तो हो सकता है कि आपको पीलिंग बहुत ज़्यादा हो और उसके बाद में आपको पीलिंग थोड़ा कम देखने को मिले। ओके, तो पीलिंग होना या नहीं होना इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ होती है कि वो जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं आपके स्किन में एक्ट होने चाहिए और वही आपके डिजीज़ को ठीक करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और कैसे केयर करना है। देखिए, केयर का सबसे पहला बात है आपको स्किन को रेस्ट देना है। तो रेस्ट कैसे दोगे? आप ज़्यादा स्किन को टच नहीं करोगे, जब पीलिंग होती है उस समय इसको पील ऑफ नहीं करोगे अपने हाथ से, ज़्यादा स्किन को रब नहीं करोगे क्योंकि आपका स्किन सेंसिटिव है, और अगर आप सेंसिटिव स्किन पे थोड़ा सा भी हाथ लगाओगे तो वहाँ पे इचिंग एंड बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ें आपको नहीं होना है, नहीं करना है, राइट। और इसलिए क्या करोगे आप कि आप टू टाइम्स आपको फेस वॉश करना है, और फेस वॉश जो मोस्टली हम एक्ने में देते हैं वो हल्का सा ड्राई करता है स्किन को। तो आप चाहो तो 5-7 दिन के लिए आप जेंटल ऐसे वॉश कर सकते हो, या फिर सीटाफिल क्लिंजर्स आते हैं, उस क्लिंजर से आप वॉश कर सकते हो जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए बने होते हैं। लेकिन फेस वॉश के बाद में आपको एक थिक कोट मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाना है। तो उससे क्या होता है कि आपका स्किन में जो है नमी बरकरार रहती है और आपको ज़्यादा सेंसिटिविटी फील नहीं होती है। जितने भी मेडिसिन वगैरह होती है आपको अभी 5-7 दिन के लिए बंद करना है या फिर आपको स्टार्ट ही नहीं करना है। कुछ ऐसी मेडिसिंस होती है जैसे कि क्लिंडामाइसिन जेल हो गया या फिर कुछ टॉपिकल एंटीबायोटिक्स हो गई, तो वो तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए। और रेटिनोइड्स जो कि विटामिन ए के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो तो स्किन को और ज़्यादा ड्राई करते हैं। तो इन जनरल मैं कह सकता हूँ कि आपको 5-7 दिन कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करना है, जब आपका स्किन नॉर्मल हो जाए तभी आप यूज़ कीजिए। मॉइस्चराइजर के साथ साथ आपको सनस्क्रीन बहुत अच्छा लगाना है क्योंकि सनस्क्रीन आपके स्किन को सन अच्छा प्रोटेक्ट देगा और आपके स्किन को सेंसिटिव ज़्यादा होने नहीं देगा। और आपको मैं तो ये कहूँगा कि आपको सन में निकलना ही नहीं है अभी, ओके। और नेक्स्ट 7 डेज अगर आप सन प्रोटेक्शन रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि सेंसिटिव स्किन होती है वो वापस ड्राई होने का चांसेस ज़्यादा होता है, और सेकंड अगर आप सन से आप अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हो तो सेंसिटिविटी हो लंबे समय तक रह सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आपको अभी नेक्स्ट 7 डेज के लिए ज़्यादा कुछ स्किन को टच नहीं करना है, साथ साथ में आपको कोई ट्रीटमेंट भी नहीं लेना है जैसे कि वैक्सिंग हो गया और कुछ हो गया, वो ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं लेना है। और जिम वगैरह आप कोशिश करो कि अभी 4-5 दिन जब तक आपका स्किन सेंसिटिविटी है तब तक आप उसको अवॉइड करें, है ना, स्वेटिंग अवॉइड करना आपको। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और जब आप नेक्स्ट पील के लिए आते हो तब भी आपको ये चीज़ें रखना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपको 4-5 दिन या एटलीस्ट 1 वीक पहले आपको बिल्कुल हाई सन एक्सपोजर आपका नहीं होना चाहिए, वो जो मेडिसिन वगैरह जो डॉक्टर दे रहे हैं उनको भी आप बंद कर लीजिए, और कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह मत कराइए। ओके, कोई अच्छा ट्रीटमेंट जैसे कोई भी ट्रीटमेंट होता है जो डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं जैसे कि वैक्सिंग हो गई या फिर पीलिंग ट्रीटमेंट हो गया या फिर एग्जांपल कह सकते हैं कि लेज़र वगैरह हो गया, ये सारे ट्रीटमेंट्स आप 2 वीक्स के बाद कर सकते हो। मोस्टली जो पीलिंग होती है वो 3-4 वीक्स के बाद में की जाती है, तो उसमें कह सकते हैं थोड़ा गैप देना होता है, लेकिन अगर लेज़र आप लेना चाहते हो साथ साथ में तो 2 वीक्स के बाद आप ले सकते हो। अब बात करते हैं कि कुछ अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, माइनर कॉम्प्लिकेशंस, तो उनको कैसे टैकल करना है। तो जैसे मैंने बताया कि आपका मोस्टली जो पार्ट है वो सन जो है वो मॉइस्चराइजर से ही ठीक हो जाएगा, और आपको सन प्रोटेक्शन रखोगे
तो उम्मीद है कि 95% लोगों में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, कुछ लोगों में ऐसा होता है जो स्किन हल्का सा ड्राई होता है, और ड्राई होने के बाद सेंसिटिव अगर ज़्यादा ही हो जाता है तो उस कंडीशन में एक मोमेटोसोन नाम की क्रीम आती है, वो क्रीम आप लगा सकते हैं 3-4 दिन के लिए, हालांकि उसको लंबा समय तक यूज़ नहीं करना है। अगर आपको इचिंग है ज़्यादा तो उस कंडीशन में आप जैसे कि टेबलेट एलिग्रा या फिर टेबलेट लोराटिडिन 10 mg का टेबलेट आता है, वो काफ़ी सेफ़ है, आप 2 टाइम आप ले सकते हो सुबह शाम खाना खाने के बाद में। और हाँ, अगर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से या मेरे से संपर्क करें ताकि उस चीज़ को हम उस हिसाब से टैकल कर पाए। हाँ, और एक बात, स्किन केयर क्लिनिक में हम बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखते हैं अपने पेशेंट से कि सारी चीज़ें उनको पहले ही पता हो, और ताकि ये सारी कोई कॉम्प्लिकेशंस कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो पील करने से पहले हम एक आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो ये ज़रूर पढ़िए आप, है ना, ये वाला इंस्ट्रक्शन पेपर, और इसके अंदर कैसे पील होता है पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, और साथ साथ के अंदर आपको ये भी है कि पोस्ट पील इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो ये आपको पेपर ज़रूर मिलेगा, ज़रूर लीजिए आप ये वाला। और अगर आप जैसे कि वेटिंग एरिया में बैठे हैं तो आप ये कॉफ़ी बुकलेट ज़रूर पढ़िए, ओके, पिंपल्स के बारे में और पिगमेंटेशन के बारे में, इसमें भी हमने काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है पील के बारे में, और पोस्ट पील इंस्ट्रक्शन सारे इसमें लिखे हुए हैं, राइट, ताकि आपको सारी चीज़ें पता हो। ओके, इसमें लिखा हुआ पोस्ट प्रोसीजर ये वाला पार्ट, तो ये ज़रूर पढ़िए इन चीज़ों को, और इससे आपको थोड़ा सा काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। उसी तरह से पिगमेंटेशन, अगर आप मिलास्मा या फिर कोई भी स्किन पे ब्लैक स्पॉट्स के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके लिए ये वाली बुकलेट है, तो ये आप लोगों के लिए बनाई गई है, सो आप प्लीज़ इनको ज़रूर पढ़िए ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये था आपका पील करने के बाद में कैसे केयर करना है, क्या चेंजेज होने वाले हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से ज़रूर पूछिए। और मोस्टली हम क्या करते हैं कि पील होने के बाद 2 या 3 दिन बाद हम अपने यहाँ से क्लिनिक से कॉल करते हैं कि आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट लेते हैं बेसिकली ठीक होने के लिए लेते हैं, ना कि स्ट्रेस लेने के लिए, है ना। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन लगता है कि आपको कि मुझे डॉक्टर से बात करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप जो हमारे मैनेजर हैं या हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।